नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ पीसीएस एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे और टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही? आपके पास ऑप्शन है 1971 से 1981, 1981 से 1991 और आप 1961 से 1971, 2001 से 2011। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1961 से 1971। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने, निम्न में से किस बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगीत, ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध संगीत, ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगीत, ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीत। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने, ओरंग टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी असम में। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमराबाद, ऑप्शन बी कामलांग, ऑप्शन सी बुक्सा, ऑप्शन डी गिरी टाइगर रिजर्व। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी बुक्सा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सही है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजात शत्रु मौर्य वंश, ऑप्शन बी कनिष्क हर्यक वंश, ऑप्शन सी अशोक कुषाण वंश, ऑप्शन डी कालाशोक शिशुनाग वंश। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी कालाशोक शिशुनाग वंश। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, निम्न में से किस शासक ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? आपके सामने ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन डी बाबर ने। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन ने। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार किसने संभाला था? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर दोस्तों, सॉरी प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, कामलांग टाइगर रिजर्व निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में निम्न में से किस वर्ष किया गया था? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 283 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 383 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 251 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 383 ईसा पूर्व। ये चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने, वर्ष 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या की दस की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 17.8%, ऑप्शन बी 17.7%, ऑप्शन सी 21.54%, ऑप्शन डी 17.9%। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 17.7%। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, निम्नलिखित में से न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी वादरायण, ऑप्शन डी आचार्य गौतम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी आचार्य गौतम। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर दोस्तों, जो कि है आपके सामने, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर निम्न में से कौन था? आपके सामने ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी सर एंड्रयूज फ्रेजर, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी सर एंड्रयूज फ्रेजर। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर।
जो कि आपके सामने है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी, आपको बताना है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी 7। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर दोस्तों। यह है आपके सामने प्रश्न नंबर 14। कड़ाद या उलूक को किस प्रमुख दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है, इसके लिए आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए सांख्य दर्शन का, ऑप्शन बी उत्तर मीमांसा का, ऑप्शन सी वैशेषिक का, ऑप्शन डी पूर्व मीमांसा का। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी वैशेषिक का। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर दोस्तों, जो कि है आपके सामने, योग दर्शन का प्रणेता निम्न में से किसे माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए कपिल मुनि को, ऑप्शन बी वादरायण को, ऑप्शन सी जैमिनि को, ऑप्शन डी पतंजलि को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी पतंजलि को। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर दोस्तों, जो कि है आपके सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा की किस समिति की अध्यक्षता की। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, जो कि आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रारूप समिति, ऑप्शन बी प्रांतीय संविधान समिति, ऑप्शन सी संघ संविधान समिति, ऑप्शन डी राज्यों के लिए समिति। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रांतीय संविधान समिति। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर दोस्तों, जो कि है, संविधान सभा प्रमुख समिति में मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी, आपको बताना है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर दोस्तों, आपके सामने है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, भिवानी, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी करनाल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी करनाल। आइए चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने, निम्न में से किस संस्थान हेतु इज्जत नगर बरेली में है, जो कि प्रसिद्ध है, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, ऑप्शन सी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन डी राष्ट्रीय कृषि संस्थान। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, आपको बताना है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी सेशेल्स। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी म्यांमार। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने, बंगाल का विभाजन कब से प्रभावी हुआ था, आपके सामने ऑप्शन है, 16 अक्टूबर 1905 से, 18 अक्टूबर 1906 से, 20 नवंबर 1905 से, 20 नवंबर 1906 से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1905 से। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्री तट को स्पर्श करती हैं, आपके पास ऑप्शन है 7, 9, 8 और 11। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 9। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने, ओखला वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सॉरी ये जिला होना चाहिए था दोस्तों, हमने शहर लिख दिया है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित समिति है, कौन सी समिति है, आपको बताना है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, चिलैया समिति, केलकर समिति, रंगराजन समिति और सुब्बाराव समिति। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए चिलैया समिति। तो ये चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर, जो कि है आपके सामने, शराब पर उत्पादन कर निम्न में से किसके द्वारा लगाया जाता है, आपको बताना है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा, नगर निकायों द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों राज्य सरकार द्वारा।
चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। दोस्तों आपके सामने है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्न में से कौन सी ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, एथेन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मेथेन। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। दोस्तों निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, आपको बताना है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, आयोडीन 131 का, सोडियम 24 का, फास्फोरस 32 का, या कोबाल्ट 60 का। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, फास्फोरस 32 का। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, आपको बताना है, लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण, कैप्सीसिन की उपस्थिति के कारण, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैप्सीसिन की उपस्थिति के कारण। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 29 आपके सामने, निम्न भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं, आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, चावल में, ऑप्शन बी दूध में, ऑप्शन सी अंडा में, ऑप्शन डी सोयाबीन में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंडा में। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 30 आपके सामने, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 13वें शिलालेख द्वारा, ऑप्शन बी रुमिंदी स्तंभ लेख द्वारा, ऑप्शन सी वेनसांग के विवरण द्वारा, ऑप्शन डी प्रथम लघुलेख शिलालेख द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 13वें शिलालेख द्वारा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। दोस्तों आपके सामने है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं, आपको बताना है कहाँ से, आपके सामने ऑप्शन ए सरायनहार से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी मैदहा से, ऑप्शन डी लंगना से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी दमदमा से। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 32 आपके सामने, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, कैंडिडा एल्बिकेंस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन सी कैंडिडा स्लूफी, ऑप्शन डी आपके सामने दोस्तों ये ल्यूकोस्पोरिडियम है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पर, जो कि आपके सामने है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारी के अधिकार को खो दिया, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, जो कि ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 34 आपके सामने, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, आपको बताना है दोस्तों, शैव संप्रदाय से, या वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से, द्वैताद्वैत संप्रदाय से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वैष्णव संप्रदाय से। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। दोस्तों जो कि आपके सामने है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था, आपको बताना है कब लिया था। आपके सामने ऑप्शन है, 1872 में, 1890 में, 1893 में, और 1901 में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1893 में। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। दोस्तों जो कि आपके सामने है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, आपको बताना है कहाँ किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है, ओडिशा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिम कैट फिशेज ने, ऑप्शन बी कुजुल कैट फिशेज ने, ऑप्शन सी कनिष्क ने, ऑप्शन डी हर्म वीज ने। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिम कैट फिशेज ने। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। दोस्तों पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज के लेखक कौन है, तो इसका आपको जवाब देना है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए डब्ल्यू सी स्मिथ, ऑप्शन बी खालिद बी सईद, ऑप्शन सी पीटर हार्डी, ऑप्शन डी मोइन शकीर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, खालिद बी सईद। चलते हैं प्रश्न नंबर 39 पर। दोस्तों जो कि आपके सामने है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह किसका कथन था, आपको बताना है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर सी दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, या
ऑप्शन डी गोखले ने। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 40 पर दोस्तों, जो कि आपके सामने है। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, आपको बताना है किस पर आधारित है। आपके सामने ऑप्शन है चुआर विद्रोह पर, ऑप्शन बी रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर, ऑप्शन सी विष्णुपुर तथा वीरभूम में हुए विद्रोह पर, ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह पर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी जो कि है सन्यासी विद्रोह पर। चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पर दोस्तों, जो कि आपके सामने है। हौली पद्धति संबंधित थी, तो इसको बताना है आपको। आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए बंधुआ मजदूर से, ऑप्शन बी किसानों के शोषण से, ऑप्शन सी छुआछूत से, ऑप्शन डी अशिक्षा से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए बंधुआ मजदूर से। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 42 पर दोस्तों, जो कि है आपके सामने। रक्ताल्पता यानी खून की कमी का कारण है, आपको बताना है क्या कारण है। आपके सामने ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी फोलिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी फोलिक एसिड। चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पर दोस्तों, जो कि आपके सामने है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, आपको बताना है कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए राजमुंदरी, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी मैसूर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी नागपुर। चलते हैं प्रश्न नंबर 44 पर दोस्तों, जो कि आपके सामने है। निम्न में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है ईस्ट, किण्वन, कैसीन, दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा, आवृत बीजी या डी घटपैड़ी परजीवी आवृत बीजी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी घटपैड़ी आवृत बीजी। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पर दोस्तों, जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है, आपको बताना है इसमें से कौन है। आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए H5N1, ऑप्शन बी H1N1, ऑप्शन सी जीका, ऑप्शन डी रेट्रो। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जो कि है H5N1। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पर दोस्तों, जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है पुष्पमित्र सुंग, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी सुशर्मन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 47 पर दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है आनंद, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी गोसल, ऑप्शन डी सुबद। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी सुबद। प्रश्न नंबर 48 पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 48 है आपके सामने। जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए चित्रकला, और ऑप्शन बी स्थापत्य कला, ऑप्शन सी मूर्तिकला, ऑप्शन डी संगीत कला। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चित्रकला। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 49 पर दोस्तों, जो कि है आपके सामने। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था, आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन को, ऑप्शन डी इल्तु तमीज को। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इल्तु तमीज को। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 50 पर दोस्तों, जो कि है आपके सामने। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है, आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए जहांगीर का, ऑप्शन बी शाहजहां का, ऑप्शन सी औरंगजेब का, ऑप्शन डी दारा सिकोह का। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए जहांगीर का। तो इस तरह से 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज समाप्त होती है दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।